के बाद जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में राज्य खेल परिषद ने खिलाड़ियों की ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू कराई। कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन में 2 महीने से भी ज्यादा वक्त से खेलों पर पूरी तरह से पाबंदी थी, लेकिन केंद्र से इजाजत मिलने के बाद श्रीनगर में खिलाड़ियों की ऑनलाइन ही ट्रेनिंग कराने की पहल की गई, जिसके बाद एक कोच वीडियो कॉल पर अपने खिलाड़ियों से जुड़ा और उन्हें वार्म अप कराता नजर आया। जब तक हालात नहीं सुधर जाते, बीमारी कम न होती है, तब तक हमारा जो ये नॉन कॉन्टैक्ट इवेंट्स हमारे चल रहे हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग ने कमाल भी दिखाया और ऑनलाइन कराई गई एक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 2 खिलाड़ियों ने मेडल भी जीत लिया। 1-2 साल लगते हैं, हमें सर ने 4 घंटे में सिखा दिया, तब जाके हमारा मेडल आया। बच्चे 2-3 महीने से घर में बैठे हुए हैं, तो हम नहीं चाहते कि उनकी फिटनेस में कुछ असर पड़े। हरियाणा के हिसार में बीजेपी नेता सोनाली फोगाट ने एक सरकारी कर्मचारी की चप्पलों से पिटाई कर दी। दावा है कि सोनाली फोगाट कुछ किसानों की शिकायत पर वहां एक नया शेड बनवाने के लिए उनसे बात करने पहुंची थी, लेकिन कुछ ही देर बाद वहां हंगामा खड़ा हो गया। बहस के बीच सोनाली फोगाट ने वहां की मार्केट कमेटी के सचिव को थप्पड़ जड़ दिया। ये देख लोग हैरान रह गए। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट ने अपनी चप्पल से भी उसे खूब पीटा। गालियां सुनने के लिए करती हूं क्या? हमें सब मान से जीने का अधिकार नहीं है? तुम लोगों को जीने का अधिकार नहीं, तुम लोगों को। मार्केट कमेटी के सचिव ने सोनाली फोगाट से माफी भी मांगी। सोनाली फोगाट को भी ये कहते हुए सुना गया कि उसने कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था। उसने गलत भाषा इस्तेमाल की और मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बात की है। पुलिस के पहुंचने के बाद किसी तरह सोनाली फोगाट को शांत कराया गया। इस घटना के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत और रंगभेद के खिलाफ सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। हालांकि सरकार ने लोगों से कोरोना के खतरे को देखते हुए बाहर न निकलने की अपील की थी, लेकिन इसके बावजूद सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ एक रैली निकाली जो कई इलाकों से होकर संसद तक पहुंची। इस रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं भी नजर आईं। लोग हाथों में कई तरह के पोस्टर लिए दिखाई दिए। कुछ पोस्टरों के जरिए रंगभेद का विरोध किया गया तो कुछ जॉर्ज फ्लॉयड के समर्थन में थे। लोगों ने पुलिस के खिलाफ भी खूब नारे लगाए, लेकिन कोरोना के खतरे को उन्होंने पूरी तरह नजरअंदाज किया। सभी एक दूसरे के नजदीक खड़े रहे और कुछ ही लोगों के चेहरों पर मास्क दिखाई दिए। इस प्रदर्शन के दौरान कोई हंगामा न हो, इसके लिए सभी जगहों पर पुलिस के जवान तैनात रहे। खबर है कि ऑस्ट्रेलिया के दूसरे शहरों में भी इसी तरह के प्रदर्शन की तैयारी है। दिल्ली की सीमाओं को सील करने पर आज बड़ा फैसला आने की उम्मीद है। दिल्ली की सीमाओं को आगे सील किया जाए या खोल दिया जाए, इस बारे में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोगों से सुझाव मांगे थे और इन सुझावों पर आज वो चर्चा करने के बाद इस पर ऐलान कर सकते हैं। कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच दिल्ली के अस्पताल क्या दिल्ली के लोगों के लिए ही रिजर्व किए जाएं, इस पर भी फैसला होने की उम्मीद है। इस बारे में भी लोगों से राय मांगी गई थी। जानकारी ये भी कि करीब 7.5 लाख लोगों ने अपने सुझाव भेजे हैं, जिसमें 7 लाख सुझाव व्हाट्सएप पर आए। इसके अलावा ईमेल और फोन से कॉल करके भी लोगों ने अपनी राय दी है।